Hello students, myself Siddharth Sherpa with today's SST classes. So today we will be discussing or we will be studying the lesson 1 of SST in class 4, and the name of the chapter is The Northern Mountains. The chapter ka naam hai Northern Mountains. Ye tumhare class 4 ke pehla chapter hai SST ka. To dekhte hai ye Northern Mountains mein actually mein hai kya. Theek hai? Hum log ye Northern Mountains mein हम लोग खास करके हमारे इंडिया का मैप देख रहे हो तुम लोग. ये इंडिया के मैप में जितने भी ये एरियाज तुम लोगों को दिख रहा है, ये हम लोग इसको नॉर्दर्न माउंटेन्स बोलते हैं, जो कि पहाड़ी क्षेत्र है. तो नॉर्दर्न माउंटेन्स का क्या महत्व है, या नॉर्दर्न माउंटेन्स से हम लोगों को क्या फायदे है, या नॉर्दर्न माउंटेन्स में क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये सब चीज विल डिस्कस टुडे इन दिस क्लास. So students, be ready. This is a very interesting chapter. You will learn about various places, beautiful places that are located in the northern part of our India, which are generally known as Northern Mountains. ये Northern Mountains जो है हमारे Great Himalayas का part है, जो कि हमारे India में पड़ता है. Is that clear? So let's start with the chapter. This is Northern Mountain. The Northern Mountains include the Himalayas and the Karakoram mountain ranges. तो ये नॉर्दर्न माउंटेन्स में आप लोगों की हिमालयाज आते हैं और साथ ही साथ काराकोरम माउंटेन रेंजेस आते हैं. तो माउंटेन रेंजेस क्या है बेटा, तो माउंटेन रेंजेस क्या है आप लोगों को मैं बताऊंगा. रेंजेस जो होता है बेटा, एक सिंगल माउंटेन है मान लो, इसको हम लोग माउंटेन बोलेंगे. इज दैट क्लियर? सो तुम लोग देखते हो कभी बहुत सारे पर्वत ऐसे बने रहते हैं, पर्वतमाला देख सकते हो. दिस सारे एक साथ जब जोड़ा जाएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज. हिमालय भी एक ऐसा रेंज है जो कि आप लोग देख सकते हो यहां पे माउंटेन रेंजेस है, ऐसे पर्वतमाला है जो आपके यहां से, ये काराकोरम है आपका, ठीक है. तो हिमालय यहां से है, तो ये सब माउंटेन रेंजेस आपका, ये सब रेंज पहाड़ का रेंज जो है यहां तक फैल के आती है. इज दैट क्लियर? सो दिस इज योर माउंटेन रेंजेस. सो आप लोग देख सकते हो ये जो हमारे इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में है, इतना एरिया जो मैंने अभी ये सब एरिया जो है आप लोगों की नॉर्दर्न माउंटेन्स में कहलाया जाएगा. तो यहां पे बहुत सारे माउंटेन्स लोकेटेड है, ठीक है. So they stretch across the northern boundary of India. तो इंडिया का जो ये तुम लोग मैप देख रहे हो यहां पे, ये जो नॉर्दर्न बाउंड्री है, तो देखा जाए तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट जो आप लोग देख रहे हो, तो ये नॉर्दर्न बाउंड्री जो नॉर्थ में है, तो ये इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट में है, तो ये नॉर्दर्न बाउंड्री पूरा कवर कर लेता है. एक प्रकार से देखो ये पूरा पार्ट नॉर्दर्न बाउंड्री क्या कर लिया है, कवर कर लिया है. सो ये संसार के सबसे ऊंचे पर्वतमाला है. दिस आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड. तो रेंजेस मैंने बताया है, तो रेंजेस आर दिस पर्वतमाला जो एक साथ खड़ा रहता है, मतलब जुड़ा हुआ है एक आपस से. सो ये हाईएस्ट सबसे ऊंचे माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड जो आपके नॉर्दर्न माउंटेन्स है, ये संसार के सबसे ऊंचे माउंटेन है. द वर्ड हिमालयाज, तो यहां पे एक वर्ड आता है द वर्ड हिमालय. ध्यान से देखो, द वर्ड हिमालय का मतलब होता है द अबोर्ड ऑफ स्नो. अबोर्ड मतलब एक प्रकार से घर है, स्नो समझ रहे हो, हिम यानी कि ये हिम का बना हुआ घर है, यानी कि दिस इज अबोर्ड ऑफ स्नो, यानी कि प्लेस विच मीन्स इट्स अ होम ऑफ स्नो, यानी कि हिमालयस क्या है, स्नो का घर है. मोस्ट ऑफ द हिमालयन पीक्स रिमेन कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर. यहां पे सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को देखने को ये पड़ेगा कि जो हिमालयन पीक्स है, माउंटेन्स जो है, ये लगभग तुम्हारे सालों भर किससे भरे कवर रहते हैं, स्नो से कवर रहते हैं. तो यू कैन सी जैसे माउंट कंचनजंगा, दिस इज माउंट कंचनजंगा जो इंडिया का
₹100 के नोट में भी देखते हो तुम लोग, तो ये देख रहे हो जो व्हाइट जो कवर्स दिख रहा है, दीज आर ऑल स्नो। तो यानी कि ये जो है कंचनजंगा, या तुम लोग इसको हम लोग हिमालय का एक माउंटेन है ये, तो ये हिमालयन जो होते हैं बेटा, ये सालों भर किससे कवर रहते हैं, स्नो से कवर रहते हैं, यानी कि बर्फ से ढका रहता है। द हिमालयन रेंजेस इन इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इन द नॉर्थ एंड टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। द हिमालयन इन इंडिया स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ एंड अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि जो हिमालयन माउंटेन रेंज है बेटा, वो हमारे इंडिया के नॉर्थ लगभग जम्मू एंड कश्मीर ये एरिया, जम्मू एंड कश्मीर से तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश ये ईस्ट जो ये मैंने येलो येलो से कवर किया है, यहां तक तुम्हारा फैलता है, नॉर्थ से लेके तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट तक तुम्हारा क्या फैलता है, हिमालयन माउंटेन फैला हुआ है। ठीक है, इज दैट क्लियर? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड कि यहां पर मैंने क्या कहा है, नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में मैंने क्या कहा है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। तो अब नॉर्दर्न माउंटेन्स को बेटा, दिस इज सब डिवाइडेड ऑफ हिमालयाज, सब डिविजन ऑफ हिमालयाज, यानी कि जो नॉर्दर्न माउंटेन हम लोग बात कर रहे बार बार, ये नॉर्दर्न माउंटेन्स का सब डिविजन है। अब ये सब डिविजन मतलब नॉर्दर्न माउंटेन्स को और हम लोग ने डिवाइड किया है अलग अलग भागों में। द हिमालयाज कंसिस्ट थ्री पैरेलल रेंजेस। तो हिमालयाज जो है बेटा, थ्री पैरेलल रेंजेस मिलता है, एक लाइन ऐसे हुआ, दो लाइन ऐसे हुआ, तीन। तो मान लो यहां पे भी पहाड़ है, यहां पे भी माउंटेन रेंजेस है, यहां पे भी क्या है, माउंटेन रेंजेस है आपका। तो ये हिमालयाज जो है बेटा, थ्री पैरेलल रेंजेस में चलती है, थ्री पैरेलल रेंजेस में। एक होता है ग्रेटर हिमालयाज, हिमालयाज को हम लोग तीन भागों में बांटे हैं, नॉर्दर्न हिमालय, नॉर्दर्न माउंटेन्स को जो कि हम लोग तीन भागों में बांटे हैं, एक है ग्रेटर हिमालयाज। अब नाम सुनने से पता चल रहा है ग्रेटर बड़ा, जिसको हम लोग हिमाद्री बोलते हैं। एक होता है लेसर हिमालयाज बेटा, जिसको हम लोग हिमाचल बोलते हैं। एक होता है आउटर हिमालयाज बाहरी, जिसको हम लोग शिवालिक बोलते हैं। यहां पे सेवेलर ग्लेशियर्स ओरिजिनेट फ्रॉम दिस माउंटेन्स। यहां पे ग्लेशियर, अब ग्लेशियर मतलब क्या है, हिम की नदी, बहुत बड़े बड़े बर्फ पिघलते हैं वहां पे हिम की, जैसे कि उसमें से तुम्हारे गंगा यमुना जैसे नदियां वहां से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। तो यानी कि जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है बेटा, उसको हम लोग ने तीन भागों में डिवाइड किया है, द ग्रेटर हिमालयाज जिसको हम लोग हिमाद्री बोलते हैं, द लेसर हिमालयाज जिसको हम लोग हिमाचल बोलते हैं, द आउटर हिमालयाज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं। जो माउंट एवरेस्ट, जो कि हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज एज वेल एज द वर्ल्ड, 8050 भी तुम्हारे कहां पे पाए जाते हैं, हिमालयाज में पाए जाते हैं। तो याद रखना ये सारी चीजें, गंगा यमुना जो है तुम्हारे हिमालयाज से ही क्या होती है, ओरिजिनेट होके आती है, वो ग्लेशियर्स से बनती है। ग्लेशियर्स क्या है बेटा, इट इज अ रिवर ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ जो पहाड़ों में होती है वो पिघलती है, तो वो किसका रूप ले लेता है, नदी का रूप ले लेता है, लेकिन वो बर्फ जो है वो ग्लेशियर्स है। दिस आर ह्यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ स्नो वहां पे रहता है जो पिघलती है, तो नीचे जितना नीचे आएंगे उतना पिघलते जाएंगे, जितना पिघलेंगे वो बर्फ पानी में बदल जाएंगे और वो किसका रूप ले लेंगे, नदियों की रूप ले लेते हैं। सो दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इन टू अ रिवर। सो ये क्या हो जाते हैं, गंगा यमुना ये जो नदियां है ये उन पहाड़ों से, उन ग्लेशियर से ही बन के नीचे आती है। संसार के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर जो है वो भी तुम्हारे हिमालयाज में ही पाए जाते हैं। कंचनजंगा जो कि 8586 मीटर एंड नंदा देवी 7000 आर द प्रोमिनेंट पीक्स, पर्वत है, प्रोमिनेंट पीक्स ऑफ द इंडियन पार्ट ऑफ द हिमालयस। तो हिमालयस का जो पार्ट मैं बोल रहा हूं, हिमालयस नॉर्दर्न माउंटेन में कंफ्यूज मत होना बेटा, हिमालयस जो है वो सारा पर्वतमाला है जो हमारे इंडिया के नॉर्थ में है, वो इंडिया में भी पड़ता है बहुत सारे, यू कैन से नेपाल में भी पड़ता है, भूटान में भी पड़ता है, तो चाइना में भी पड़ता है बहुत सारा पार्ट। सो मैं ये बोल रहा हूं कि जो ये हिमालयस है बेटा,
हिमालयस का जो भी हिस्सा हमारे भारत में पड़ता है, हमारे देश में पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो माउंट एवरेस्ट जो कि हिमालयस का पार्ट है लेकिन हमारे इंडिया में नहीं पड़ता है, ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर में पड़ता है, तो इसीलिए ये माउंट एवरेस्ट हिमालयस का अंग है लेकिन हमारे भारत में नहीं पड़ता है। हमारे भारत में पड़ने वाले सबसे फेमस माउंटेन्स में से कौन है? कंचनजंगा जो कि 8,586 मीटर है, नंदा देवी 7,816 मीटर है। ये एक प्रोमिनेंट पहाड़ है, बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ है जो हमारे देश में आते हैं। तो तुम लोग ने देखा हिमालयस, हमारे हमारे इंडिया में जितने भी हिमालयस आते हैं उसको तीन भागों में बांटा गया है, द ग्रेटर हिमालयस, द लेसर हिमालयस एंड द आउटर हिमालयस। इसको हम लोग मिडल हिमालयस भी बोल सकते हैं, जो बीच का। अब तुम लोग देखोगे, हम लोग आगे देखेंगे कि ग्रेटर हिमालयस को क्यों ग्रेटर बोला गया है, लेसर को क्यों बोला गया है, आउटर को क्यों आउटर हिमालयस बोला गया है। हिमाद्री जो हम लोग ग्रेटर हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे, अब हिमाद्री जिसको हम लोग ग्रेटर हिमालयस बोलते हैं, बीइंग द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज डोमिनेट्स द लार्ज सेक्शन ऑफ द हिमालयस। तो ये मैप में देखेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जो ग्रेटर हिमालयस है आप लोगों का बेटा, जो आप लोगों का ग्रेटर हिमालयस है, ये जो है लार्ज सेक्शन, जो ऊंचे पहाड़ नॉर्दर्न पार्ट में आपका क्या करता है, जो ये आप लोग देख सकते हो ब्राउन कलर का, जो भी आप लोग ये ब्राउन कलर का देख रहे हो, ये सारा हिमालयन रेंजेस है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। ये ब्राउन कलर का जो भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे ब्राउन ब्राउन लाइंस, ये हिमालयन पहाड़ को इंडिकेट कर रहा है, हिमालयन माउंटेन्स को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ये सब चीजें ये देख रहे हो, ये सब। तो जो नॉर्दर्न हिमालयस में क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन्स में जो हिमाद्री है वो डोमिनेट करता है ज्यादा एरिया, वो सबसे ऊंचे पहाड़ है जो कि तुम्हारे यहां से देखा जाए ये इंडिया में, ये सब जो है इंडिया में पड़ रहा है, ये सब जो इंडिया में आ रहा है, ये सब, तो ये सब चीजें जो है ये डोमिनेंट एरिया है, ये डोमिनेंट है यानी कि ज्यादा है हिमाद्री, इज दैट क्लियर। तो ये कहने का मतलब ये हुआ ये लॉन्गेस्ट भी है, सबसे लंबा लंबा हिमाद्री यहां से यहां तक आता है, देखो आधा नेपाल में भी जा रहा है लेकिन ये सबसे लंबा है, उसके नीचे आता है लेसर हिमालयस। तो इट इज द नॉर्थ मोस्ट रेंज, यानी कि जैसे कि मैंने बोला दे आर थ्री रेंज, जैसे कि मान लो ये पहाड़ उठा है ऐसे सिंपली, ये माउंटेन रेंज, ये सबसे छोटा हिमालयस यहां पे देख रहे हो, तो मान लो ये शिवालिक हो गया, ये हिमाद्री हो गया, ये सबसे ऊंचा क्या हो गया, हिमाचल हिमाद्री, शिवालिक हिमाचल हिमाद्री, यानी कि यू कैन से इट, यानी कि सबसे ऊंचे पहाड़ है। इसका लेंथ जो है बेटा 2500 किलोमीटर है, इट इज बिटवीन 150 एंड 400 किलोमीटर वाइड फ्रॉम द फॉर्म्स ऑफ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो हम लोग जब ये मैप में देखेंगे बेटा, इसका लंबाई जो है हिमाद्री का, जो ये पीला लाइन आ रहा है, इसका लंबाई जो है 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर चौड़ा है, 2500 किलोमीटर क्या है ये लंबा है, आई थिंक लंबा है ये, एंड जो इसका विथ है दूरी यहां से यहां जो दूरी बन रहा है, ये जो गैप बन रहा है, चौड़ाई जो है 150, चौड़ाई जो है तुम लोगों का 150 से लेके 400 किलोमीटर तक है, 150 to 400 किलोमीटर वाइड, मतलब चौड़ा फैला हुआ है, और ये क्या है लेंथ, ठीक है आप लोगों का लेंथ, यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक, अब हाथ से तो ऐसे कर रहे हैं लेकिन इंडिया का मैप बहुत बड़ा है लैंड में, तो यहां से यहां तक आपका 2500 किलोमीटर, और जो चौड़ाई है यहां से यहां तक जो फैला हुआ है नॉर्दर्न हिमाद्री, हिमाद्री जो फैला हुआ है वो 150 से लेके 400 किलोमीटर चौड़ाई है। तो सिंपल सी बात है, तो एक यहाँ पे छोटा सा मैं एक ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे कि ये हो गया तुम्हारा लंबाई, जैसे कि हिमालयस का लंबाई कितना है 250
2500 किलोमीटर, लेकिन जो ये चौड़ाई है ब्रेथ, ये कितना है 150 to 400 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो है यहां पे चाइना है, ये चाइना के साथ क्या करता है, एक नेचुरल बाउंड्री, यानी कि इंडिया और चाइना को ये क्या करता है, एक नेचुरल रूप में अलग करता है। एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ एवरेज एल्टीट्यूड इज ओवर 6000 मीटर एंड इज ऑलवेज कवर्ड विद स्नो एंड रिसीव्स हेवी स्नोफॉल। जो आप लोगों का हिमाद्री है बेटा, इसका एवरेज, यहाँ के पर्वत जो है, यहाँ के माउंटेन जो है, वो एवरेजली कितना है 6000 मीटर, यानी कि यहाँ के पर्वत कम से कम 6000 मीटर ऊंचे है, समझ रहे हो। तो 6000 देखना जाए तो 8000 तक जा रहा है, लेकिन एवरेजली यहाँ के एवरेजली जो भी माउंटेन्स है 6000 मीटर के से ऊंचे या 6000 मीटर तक है, उससे नीचे नहीं है, ठीक है। तो एवरेज हाइट यानी कि ये बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, 6000 मीटर मतलब बहुत ऊंचा होता है बेटा। तो ये एवरेज हाइट ये लोगों का क्या है 6000 मीटर है, और ये इतना ऊंचा है कि ये सालों भर लगभग कहा जाए तो ये हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, और यहां पे क्या होता है भारी बर्फबारी होती रहती है। तो मैंने बोला है कि यहां पे ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं, जब बर्फ गिरते हैं तो एट सम प्लेसेस ह्यूज मासेस ऑफ आइस मूव डाउन द माउंटेन स्लोप्स आर कॉल्ड ग्लेशियर्स, दे मेल्ट डाउन एंड फ्लोज एज रिवर। तो मैंने पहले ही बोला था ग्लेशियर्स के बारे में। तो ये सब पहाड़ों में क्या होता है बेटा कि माउंटेन है, यहां पे बहुत बर्फबारी हो रहा है, तो ये यहां से क्या करता है स्नो नीचे गिरता है, तो पिघलता है, तो पिघलने के बाद वो नदिया का रूप दे फॉर्म इनटू अ रिवर, तो क्या बन जाते हैं बेटा ये ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं। तो यहां पे सम ऑफ द हाईएस्ट पीक अबव 8000 मीटर इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा आर फाउंड हियर। एवरेज हाइट तो 6000 मीटर है, लेकिन यहां पे सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत जैसे कि माउंट एवरेस्ट जो कि 8000 मीटर से अबव है, और जैसे कंचनजंगा जो भी 8000 मीटर के ऊपर है हाइट, ये सब माउंटेन्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं, हिमाद्री में, यानी कि हिमाद्री हिमालय या नॉर्दर्न माउंटेन का एक ऐसा हिस्सा है जहां पे सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं, और यहाँ पे जो फार्मिंग करना, खेती करना संभव नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे मोजेस एंड लीचेंस आर फाउंड हियर, काई छोटे छोटे हल्का हल्का घास जैसा चीजें पाए जाते हैं। यहाँ पे पेड़ पौधे भी बहुत कम पाए जाते हैं, अक्सर यहाँ पे लोग भी नहीं रहते हैं क्योंकि ये बहुत ऊंचे एरिया में है। इज दैट क्लियर, समझ गए। तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे नॉर्दर्न माउंटेन्स में हिमाद्री रेंज देख सकते हो, दीज आर दी हाईएस्ट माउंटेन, ये हिमाद्री ग्रेटर हिमालयस है, यू कैन सी ये हमेशा बर्फ में ढका हुआ है, तुम लोग देख सकते हो, ठीक है, यू ऑल कैन सी ये हमेशा बर्फ में ढका हुआ है, और ये सबसे ऊंचे पहाड़ है हिमालयन रेंज। तो आई होप यू अंडरस्टूड। अब हिमाद्री के बाद थोड़ा छोटा हिमालय आता है, यानी कि हिमाद्री तो बहुत ऊंचे हो गए लेकिन उससे थोड़ा हाइट में और कम आ जाता है, जैसे कि मैंने तुम लोग मैप में, जैसे कि मैंने तुम लोग को यहां पे बताया, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक ड्रॉ करते हैं, जैसे कि पहाड़ यहां से शुरू हो रही है, ठीक है, माउंटेन रेंजेस शुरू हो रहे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे होते हैं माउंटेन रेंजेस। तो तुम लोग का ये जो है उतना ऊंचा नहीं है, ये भी ठीक ठाक का ही है, लेकिन जो ये पोर्शन देख रहे हो काफी ऊंचा है पहाड़ों में, तो ये पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, हिमाद्री बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हिमाद्री, क्या बोलेंगे, हिमाद्री, और ये जो तुम्हारा हो जाएगा हिमाचल, यानी कि ये जो है बहुत हाई होते हैं, और ये जो हिमाचल जो हम अब पढ़ने वाले हैं ये ना ही ज्यादा ऊंचा होंगे ना ज्यादा छोटा होगा, ये बीच का पार्ट है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मिडल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज। हिमाचल रेंज इज लोकेटेड बिटवीन हिमाद्री एंड शिवालिक। तो जैसे कि तुम लोग ने यहां पर देखा, मैंने बताया हिमाचल जो है शिवालिक
शिवालिक और हिमाद्री के बीच में है. इज दैट क्लियर? ये बीच में पड़ता है. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद एन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 3700 टू 4500 एंड विथ ऑफ 80 किलोमीटर. जिसे कि हम लोग ने पढ़ा, इसका जो एवरेज हाइट होता है बेटा, यहां के पहाड़ जो है वो 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक ऊंचे होते हैं. तो हम लोग ने देखे हिमाद्री क्या है, 6000 से लेके 8000 तक ऊंचे ऊंचे पहाड़ से भरा हुआ है. लेकिन हिमाचल उससे क्या है, थोड़ा छोटा है. वो 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक ऊंचा है, यानी कि हिमाद्री से छोटा है. इट इज लोअर देन हिमाद्री. अब जैसे कि हम लोग ने देखा कि यहां पे हम लोग ने देखा हिमाद्री जो है 150 से लेके 400 किलोमीटर चौड़ा है, तो हिमाचल केवल कितना है, 80 किलोमीटर चौड़ा है. 80 किलोमीटर क्या है, चौड़ा है. लेकिन हिमाचल में एक चीज देखने को मिलेंगे बेटा, दिस माउंटेन रेंज हैज सम ब्यूटीफुल वैलीज सच एज चांबा, कुल्लू एंड कांगरा वैली. घाटिया देखने को मिलेंगे, बहुत बहुत सुंदर वैलीज देखने को मिलेंगे. अब वैलीज तुम लोग को देख सकते हो, यू कैन सी वैलीज, माउंटेन वैलीज. वैलीज देख रही है, दो पहाड़ आ रहा है, इसके बीच में जो एक खाई बन रही है, यहाँ पे नदी बह रहे हैं, देख सकते हो तुम लोग. दीज आर वैलीज, देखने में बहुत सुंदर सुंदर वैलीज होते हैं हिमाचल में. देखो हिमाचल, यहाँ पे हिमाद्री है, थोड़ा बाहर है, लेकिन ये थोड़ा छोटा पहाड़ है जहाँ पे तुमको वन जंगल मिलेंगे, लेकिन ये सब एरिया में किसी प्रकार का खेती, पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे. तो हिमाचल में कुछ वैलीज मिलते हैं, और वैलीज के बीचों बीच अक्सर क्या होता है बेटा, नदियां होती है. जैसे कि ये कांगरा वैलीज, बहुत सुंदर हिल स्टेशन पाए जाते हैं, जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोरा, दार्जिलिंग आर लोकेटेड इन दिस रेंज. तो दार्जिलिंग, अल्मोरा, नैनीताल, मसूरी, शिमला, ये फेमस हिल स्टेशन है, ये घूमने के लिए बहुत सुंदर जगह है. सो देखो तुम लोगों को दिखा दे रहे हैं हम हिल स्टेशन. यू कैन सी हिल स्टेशन हिमाचल रेंज में है. दिस इज आई थिंक नैनीताल एंड ऑल आई थिंक. तो देखो कितना सुंदर है देखने में, काफी बेहतरीन लग रहा है, और घूमने जाओगे तो यहाँ पे काफी मजा आएगा. देख सकते हो ब्यूटीफुल प्लेस, देखने में कितना मजा आ रहा है. ऐसे बहुत सारे हिल स्टेशन तुमको कहाँ पे मिलेंगे, ये हिमाचल रेंज में मिलेंगे. ठीक है. क्लाइमेट इज सुइटेबल फॉर कल्टिवेशन. समर्स आर कूल एंड प्लीजेंट, विंटर्स आर कोल्ड. तो ये हिमाचल में क्या होता है बेटा, कि ज्यादा गर्मी नहीं होता है. गर्मी की सीजन मतलब बेहतरीन होता है, कूल, नहीं ज्यादा ठंडा, नहीं ज्यादा गर्म. लेकिन विंटर जो होता है बेटा, काफी ठंडा होता है, और यहाँ पे खेती पाती भी किया जाता है. यहाँ का मौसम जो है खेती करने के लिए भी काफी बेहतरीन है. इज दैट क्लियर? यहाँ पे टी प्लांटेशन पाए जाते हैं, आर फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस रेंज. तो हम लोग जब हम लोग ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रेंज में जाएंगे, यानी कि अब ईस्टर्न पार्ट मतलब तुम लोग यहाँ पे देखो बेटा, जो ये तुम लोग देख रहे हो ईस्टर्न पार्ट, ये सब एरिया में आओगे तुम लोग, तो यहाँ पे थोड़ा क्या मिलेगा तुमको, चाय की बगान मिलेंगे. तो हिमाचल जो माउंटेन रेंज है बेटा, वहां पे टी गार्डन मतलब खेती, मतलब चाय की खेती होती है. यू कैन सी पीपल पिकिंग टीज. ये सारे जो कुछ भी देख रहे हो, दीज आर ऑल टी. ये स्लोप्स, पहाड़ के जो ढलान होती है, ये सब जगहों पे ये सब चीजों का खेती किया जाता है. यू ऑल कैन सी, लुक, दे आर प्लकिंग टीज, लुकिंग, कैरिंग समथिंग. लुक, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल. सो इफ यू कम विजिट माई प्लेस, आई एम ऑल्सो फ्रॉम दार्जिलिंग, सो यू कैन सी ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. और वहां पे एक चीज और होता है बेटा, कि वो क्या होता है, अब देखो हम लोग पढ़ेंगे. वैलीज तो देख लिए, यहां पे थिक फॉरेस्ट कवर्स आर ऑल्सो फाउंड विथ पाइन, ओक, डियोदर एंड फर. यहाँ पे क्रिसमस ट्री देखते हो तुम लोग, उस प्रकार के ट्री, जिस ट्री से क्रिसमस ट्री बनाया जाता है, उस प्रकार के ट्री यहाँ पे जंगल पाए जाते हैं, जिसमें एक पाइन, ओक, डियोदर एंड फर ट्रीज पाए जाते हैं. ठीक है. तो आई होप तुम लोग ने समझे कि हिमाचल के बारे में, हिमाचल जो है हिमाद्री से छोटा होता है, यहाँ पे खेती पाती होता है, थोड़ा बहुत जंगल
घूमने के लिए काफी सुंदर सुंदर जगह है। यहाँ पे पासेस भी पाए जाते हैं, माउंटेन पासेस लाइक रोहतांग, जोजिला एंड हिमाचल प्रदेश आर फाउंड इन विच आर हिमाचल प्रदेश आर फाउंड इन विच रीजन। ओके, तो ये कार्ड दे रहे थोड़ा। माउंटेन पासेस पाए जाते हैं, देखो माउंटेन पासेस का मतलब क्या होता है, वैली जैसा ही होता है माउंटेन, लेकिन अक्सर वैलीज में क्या देखने को मिलता है, बीच में नदी देखने को मिलता है। और पास जो होता है बेटा, वो पहाड़ के बीच में एक जगह होता है जहां पे रास्ता होता है ट्रैवल करने के लिए। देख सकते हो तुम लोग, ये जोजिला पास है, देखो पहाड़ के बीच में एक रास्ता है, इसको हम लोग पास बोलते हैं, देख रहे हो। ये पासेस जो होते हैं बेटा, ये ट्रैवल करने के लिए होता है। तो ये जोजिला पास देख रहे हो विदाउट, अब ये लद्दाख जो है कि एकदम रिमोट एरिया में है, जो कि माउंटेनियस एरिया से क्या है, ढका हुआ है। तो लद्दाख तक जाने के लिए हम लोग को पहाड़ के बीचों बीच जाना पड़ता है, जो इसको जोजिला पास बोल रहा है, ये गेटवे ऑफ लद्दाख बोल सकते हैं। इसी को क्रॉस करके हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, लद्दाख जाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। पासेस वैलीज जो होता है लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन वैलीज अक्सर क्या होता है बेटा, थोड़ा नैरो होता है, ज्यादा पतला होता है, नैरो मतलब ज्यादा एरिया नहीं होती, और अक्सर यू कैन सी वैलीज के बीचों बीच नदियां बहती है। Is that clear? तो आउटर हिमालयन रेंजेस के बारे में हम लोग देखेंगे। अब हिमाद्री सबसे ऊंचे, उसके बाद आता है हिमाचल, जो ठीक ठाक है हाइट में, ना ही ज्यादा ऊंचा ना ही ज्यादा छोटा, लेकिन शिवालिक जो है बेटा वो सबसे नीचे का है। अब जैसे कि तुम्हारे यहां पे मैंने यहां पे ड्राइंग बना दिया था, थोड़ा सा अब उतना परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन यू कैन सी। तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हिमाद्री हो गए, बीच के जो हो गए हिमाचल। देखो यहां से तुम्हारा, फिर आओगे नीचे तो यहां से तुम्हारा प्लेन शुरू हो जाएगा, जमीन सीधी जमीन शुरू हो जाएगी। तो शिवालिक, अब लेट्स टॉक अबाउट शिवालिक, जो सबसे नीचे का पहाड़ का रेंज है, हिमालयन रेंज है, सबसे नीचे का है, और उसके बाद और नीचे आओगे तुमको प्लेन समतल जमीन देखने को मिल जाएगी। तो अब जो है शिवालिक में क्या होता है, शिवालिक ये संस्कृत शब्द बना है, विच इसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू लॉर्ड शिवा। शिवालिक एक संस्कृत शब्द है, वर्ड है, जिसका मतलब होता है ये किसका है बिलोंगिंग, ये किसका है, लॉर्ड शिवा को बिलोंग करता है। दिस शिवालिक का मतलब होता है ये शिवा का है, भगवान शिव का है। तो ये सबसे लोवेस्ट एंड द नैरोएस्ट रेंज इन द एंटायर हिमालयन, लाइंग एट द साउदर्न पार्ट ऑफ हिमाद्री एंड हिमाचल ऑफ हिमालयन रेंज। तो जैसे मैंने बोला, जैसे कि जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, जैसे सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो गए, तो सबसे साउदर्न मोस्ट, सबसे निचला पार्ट जो है हिमाद्री और हिमाचल, जो कि हिमालयन रेंज है, हिमालय जो पर्वतमाला है, उसके सबसे साउदर्न पार्ट में पाए जाते हैं। तो यहाँ का जो पहाड़ होते हैं शिवालिक में, उसका हाइट जो होता है 900 से लेके 1200 मीटर होता है, 900 से लेके 1200 मीटर होता है, ये एवरेज है, ज्यादा ऊंचा भी नहीं है, छोटा है 1200 मीटर, कहां 8000, कहां 6000, कहां 4000, और कहां तुम्हारा 900 और 1200, और इसका चौड़ाई ज्यादा नहीं होता है, 10 से 50 किलोमीटर का ही चौड़ाई होती है। द शिवालिक एंड हिमाचल रेंजेस आर सेपरेटेड बाई डीप एंड नैरो वैलीज कॉल्ड दून्स, देहरादून इज वन सच एग्जाम्पल। तो तुम लोग अब सोच रहे होंगे, अब हिमाद्री और हिमाचल में अंतर क्या है, कि हिमाद्री क्या है, बहुत ऊंचे पहाड़ है, हिमाचल थोड़ा छोटा, हिमाचल में खेती पाती भी होगा और शिवालिक में भी खेती पाती होगी, लेकिन शिवालिक और हिमाद्री को एक चीज अलग करता है, उसको हम लोग दून्स बोलते हैं, वो एक माउंटेन वैली भी है। जैसे मान लो यहां से एक पहाड़ है, इसके बीच में वैली है ये, ठीक है, और यहां से तुम्हारा शिवालिक शुरू हो रहा है, ठीक है, यहां से तुम्हारा शिवालिक शुरू हो रहा है। तो ये जो वैली होता है उसको हम लोग दून्स बोलते हैं, और देहरादून जो हम लोग का नाम पड़ा है, दून देहरादून इसी दून से पड़ा है, यानी कि दो पहाड़ों के बीच का जमीन को हम लोग दून भी बोलते हैं। तो तुम लोग उसको देख सकते हो यहाँ पे इमेज में, ये बहुत पुराना जमाना का इमेज है, ये पेंटिंग दिया गया है, आई थिंक इट्स नॉट क्लियर। सो दीज ऑल आर द सिटीज, एक प्रकार से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा माउंटेन रेंज है, ऐसे वैली आ रहा है थोड़ा, और ये तुम्हारा पहाड़ी, तो ये एरिया तुम्हारा क्या हो जाएगा, दून। और ये दून जो होता है बेटा, तुम्हारे हिमाचल और शिवालिक को क्या करता है, अलग करता है। दिस वॉज अ पेंटिंग,
लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा होगा, तुम लोग देख सकते हो। और तुम लोग जो देहरादून जो देखे हो, देहरादून जो शब्द बना है बेटा वो दून से बना है। किससे बना है? दून। दून मतलब क्या है? ये एक डीप एंड नैरो वैलीज, गहरा और नैरो पतला वैली है जहां पे शहर वहर बसा है देहरादून का, और वो ही किसको अलग करता है? शिवालिक और हिमाचल को अलग करता है। द स्लोप्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट एंड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इज फाउंड हियर। जो ये स्लोप मतलब, स्लोप मतलब एक पहाड़ का ये जो ढलान होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे। जो स्लोप होता है बेटा वो स्लोप जंगलों से भरा है, वहां पे बहुत प्रकार के एनिमल्स भी तुमको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे फाउंड हियर मच ऑफ द लैंड्स आर यूज्ड इन ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक राइस, पोटैटोज एंड मेज। तो यानी कि यहाँ पे खेती भी होती है, यहाँ पे तुम्हारे चावल भी उगते हैं, ठीक है, शिवालिक रेंज में राइस भी उगते हैं, पोटैटोज को भी ग्रो होता है खेती, मकई यानी कि मेज का भी खेती होती है। तो आई होप तुम लोग ने शिवालिक के बारे में भी समझा। तो इतना समझो, नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है हमारे देश का पहाड़ी इलाका है, जो हमारे भारत के उत्तरी भाग पे पड़ता है, और उसमें हिमाद्री जो है बेटा सबसे ऊंचे पहाड़ है, और हिमाचल जो है बीच का है, वो ज्यादा ऊंचा नहीं है, लेकिन हिमाद्री से छोटा है, लेकिन शिवालिक से बड़ा है। शिवालिक जो है सबसे छोटा है, और तुम लोग देख सकते हो हिमाचल में बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हिल स्टेशन पाए जाते हैं। तो हम लोग ने ये सब चीज देखा। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है ट्रांस हिमालयन रेंज। ट्रांस हिमालयन रेंज लाइज टू द नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिमालयाज बियॉन्ड रिवर इंडस। दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ मिनी माउंटेन रेंजेस लाइक काराकोरम रेंज, पीर पंजाल रेंज ऑफ द हिमालयाज, द झास्कर रेंज ऑफ द कैलाश रेंज। तो यहां पे जैसे कि हिमालयाज क्या है, काफी लंबा हिमालयाज जो है बेटा काफी लंबा माउंटेन रेंज है तुम लोगों का, ठीक है। हिमालयंस जो है काफी लंबा है तुम्हारा, हिमालयाज यहां से लेके यहां तक फैलता है, लेकिन जो तुम्हारा काराकोरम रेंज है ये छोटा सा रेंज है, ज्यादा लंबा नहीं है, यहां तक, यहां से लेके यहां तक फैला है, ठीक है। ये हमारी इंडस नदी के, ये इंडस नदी यहां से आ रही है, देखो ये सब गंगा, ये सब है, ये कैलाश रेंज है, यहाँ पे अलग से पाए जाते छोटे छोटे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालयन रेंज, यानी कि हिमालयन रेंज का ही पार्ट है, लेकिन वो ज्यादा लंबा तक फिजा मतलब फैला नहीं है, हिमालयन से कनेक्टेड है लेकिन डायरेक्टली नहीं है, वो एक प्रकार से क्या है, छोटा छोटा रेंज है। जैसे कि हिमालयस देख सकते हो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक आ रहा है, लेकिन वो लोग एक ही जगह पे, देखो कश्मीर के अंदर ही लद्दाख तक क्या है, फैला हुआ है, ठीक है, पीर पंजाल रेंज वगैरह है। तो इसके क्या खासियत है देखते हैं। K2 और माउंट गॉडविन ऑस्टिन जो कि संसार का सेकेंड हाईएस्ट पीक है बेटा, K2 जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, वो हिमालयस में नहीं आता है। तो हम लोग का हिमालयस में सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद आता है माउंट एवरेस्ट के बाद कंचनजंगा, लेकिन जो गॉडविन ऑस्टिन है वो सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट के बाद गॉडविन ऑस्टिन आता है जो सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ये कौन सा रेंज में है? काराकोरम रेंज में। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेंजेस ऑफ एशिया, ये एशिया का सबसे बेहतरीन या सबसे बड़े बड़े पर्वतमाला है, कौन सा? तुम्हारा ट्रांस हिमालयन रेंज, जिसमें हम लोग गिनेंगे पीर पंजाल रेंज, काराकोरम रेंज, ये सब रेंजेस हमारे एशिया के सबसे ग्रेट है। हिमालयस तो पूरे संसार के हो ही गए, लेकिन काराकोरम रेंज एशिया में काफी बड़े बड़े रेंजेस में से एक है। उसके बाद आता है पूर्वांचल। पूर्वांचल नाम ही पड़ा है पूरब यानी कि ईस्ट। द पूर्वांचल रेंज लाइज अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। फिर मैप में जाएंगे हम लोग, फिर मैप में देखेंगे ईस्टर्न बॉर्डर। ये एरिया जो आप लोगों को दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पूर्वांचल रेंज। इस एरिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पूर्वांचल रेंज। जो यहां पे अभी मैं बनाऊंगा देख लेना ध्यान से,
विच कलर शुड आई यूज? ओके डार्क ग्रीन. जो ये एरिया है ये सब में रायता हिभुम, खासी जानित्या, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्वांचल, पूर्वांचल रेंज. ये ईस्टर्न, तो लगभग ये अभी छोटा छोटा देख रहे हो लाइन, ये छोटा छोटा जो लाइन देख रहे हैं ये रेंज, पत्काईबम, ये खासी जनितिया हिल्स, मिजो हिल्स जो ये देख रहे हो, ये पूर्वांचल रेंज में है. लगभग इसके बाद तुम्हारा हिमालयस खत्म हो जाती है. इज दैट क्लियर? ये पूर्वांचल रेंज का जो हाइट है बेटा 3000 से कम ही है. एवरेज हाइट जो है इट इज लेस देन 3000 मीटर. यहाँ के जो पहाड़ पाए जाते हैं वो लगभग 3000 मीटर से नीचे, यानी कि छोटे ही होते हैं नीचे. ये सब एरिया जंगलों से भरा है. द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स इंक्लूड गारो, खासी, जनित्या, नागा, लुसाई एंड मिजो हिल्स. मैंने ये सब हिल्स का नाम पहले जिक्र किया है. तो ये माउंटेन नहीं है लेकिन चोटी है, हिल्स है, जो कि 3000 मीटर से छोटा है. तो ये पूर्वांचल रेंज, तो लगभग ये पूर्वांचल रेंज में पहुंचते पहुंचते हमारा हिमालयन रेंज खत्म हो जाती है. इज दैट क्लियर? तो आई होप आप लोग ने समझा ट्रांस हिमालयन रेंज, ट्रांस हिमालयन रेंज और पूर्वांचल रेंज. तो बेटा अब तुम लोग सोच रहे होंगे एक चीज, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं. एक सवाल आता है, इतना ऊंचे ऊंचे पहाड़ है तो अक्सर लोग हम एक हिली एरिया से होने की वजह से लोग पूछते हैं कि वहां पे बहुत ठंडी होता है क्या, 12 महीने ठंडी होता है, आप लोग कैसे रहते हो, क्या करते हो. तो अब देखते हैं कि वहां के लोग क्या करते हैं. द हिमाद्री रीजन तो वेरी कोल्ड है थ्रू आउट द ईयर. दिस मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल एंड एनिमल्स टू लिव हियर. यहाँ के लोगों में मतलब हिमाद्री रीजन काफी ऊंचा है, काफी ठंडा है, इसलिए यहाँ के लोगों को यहाँ पे रह पाना और एनिमल्स को यहाँ पे जीवित रहना, सर्वाइव करना काफी मुश्किल पड़ता है. जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम लाई इन दिस रीजन. तो जम्मू एंड कश्मीर के कुछ भाग, हिमाचल प्रदेश के कुछ पार्ट, सिक्किम के कुछ पार्ट, ये सारे रीजन्स में पड़ते हैं, हिमाद्री रीजन्स में. द उलार लेक एंड द दाल लेक आर द टू फेमस लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर. हाउस बोट्स एंड सिखाराज आर फाउंड हियर. तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे, आई थिंक दिस इज द इमेज ऑफ डल लेक, दिस इज द इमेज ऑफ डल लेक इन कश्मीर. ये डल लेक है, डल झील कश्मीर के, देख रहे हो पहाड़ की चोटी पे रहते हैं ये सिखाराज. जो सिखाराज मतलब एक बोट होता है, यहाँ पे बनाए आए हैं, तुम लोगों को दिख रहा होगा, जिसमें लगभग लंबा लंबा बोट होते हैं. लाइक इट इज लाइक, इट इज लाइक हाउस बोट, इसमें घर वर होता है. ठीक है, तो वेन एवर यू गो टू कश्मीर और ये हाउस बोट चढ़ने का मौका मिले तो बिल्कुल मत छोड़ना. ठीक है, ब्यूटीफुल हाउस बोट्स, यहाँ पे लोग रह के नाव चलाते हैं. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड कि क्या बनाने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग. तुम लोग देख सकते हो ये काफ़ी फेमस है. तो ये एक प्रकार के पर्यटक, यानी कि टूरिज्म, बाहर से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं तो यहाँ के लोगों को टूरिज्म से थोड़ा इनकम होता है. क्या होता है? इनकम, पैसा. ये लोग किससे करते हैं? टूरिज्म से कमाते हैं. टूरिज्म इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन दिस. मैंने बोल दिया टूरिज्म, यहाँ के लोगों का जो इनकम होता है, पैसा आने का स्रोत है, वो क्या है? टूरिज्म. द पीपल ऑफ द स्टेट कीप कांगरी अ स्मॉल पॉट विद बर्निंग कोल अंडर द लूज आउटर गारमेंट्स टू कीप देमसेल्व्स वार्म. अब कांगरी बोल के एक चीज वो लोग रखते हैं यहाँ के लोग. ये छोटा सा पॉट होता है जिसके अंदर क्या जल रहा होता है? कोयला जल रहा होता है. अंडर यानी कि अपने कपड़े के अंडर, लूज गारमेंट, लूज कपड़े पहनते हैं, उसके अंडर में रखते हैं जो वो लोग गर्म रखेगा. तो कांगरी क्या होता है देखो, तुम लोग देख सकते हो, दिस बेबी और दिस गर्ल इज कैरिंग दिस. ये जो है बेटा ये कांगरी होगा जो कि इसके अंदर कोयला जल रहे हैं और ये लोग अपने आप को क्या करते हैं? गर्म रखने के लिए बनाए जाते हैं. तो ठीक है, यू कैन सी दिस स्वीट गर्ल होल्डिंग अ कंगरी जिसमें कोयला जलेंगे, जो वो अपने आप को गर्म करेंगे, कपड़े के अंदर भी रख सकता है. ठीक है, सो देखो लोग सर्वाइव करने के लिए कुछ भी कर सकता है जीवित रहने के लिए. तो तुम भी होते कश्मीर में, तुमको भी ऐसे रहना पड़ता, क्योंकि अब भाई ठंडे से बचना है तो इतना तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा. यहाँ के लोग क्या मनाते हैं फेस्टिवल्स में, त्योहार?
ईद मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं। सिक्किम में भी बहुत सारे पीपल है, ट्राइबल पीपल है, जैसे लेपचा, भुटिया एंड नेपाली, इस प्रकार के, जैसे कि आई एम नेपाली, तो ये सिक्किम में नेपाली, भुटिया, लेपचा बोल के लोग बोलते हैं। यहाँ के वुमेन जो होते हैं सिक्किम के, लॉन्ग स्कर्ट पहनते हैं, जिसका नाम बखू है। द प्लेस इज फेमस फॉर इट्स ऑर्किड्स, ऑर्किड्स आर वेरियस ब्यूटिफुल फ्लावर्स, तो ये सारे चीज के लिए यहाँ की जगह फेमस है। तो हम लोग देखते हैं दूसरा, ये तो हिमाद्री रीजन का हो गया, लेकिन अब शिवालिक रीजन के लोग क्या करते हैं। देर आर मेनी ब्यूटिफुल हिल स्टेशन इन हिमाचल रेंज सच एज शिमला, डलहौसी, कुल्लू एंड मनाली, ब्यूटिफुल हिल स्टेशन। हिल स्टेशन कैसा होता है तो मैंने तुम लोगों को दिखा दिया है, ये भी एक हिल स्टेशन ही है, ये भी एक हिल स्टेशन है, ठीक है। तो ये सारे लोग अपना जो जगह है ये हिमाचल रेंज में, जो कि डलहौसी, शिमला, कुल्लू, मनाली, दीज आर माउंटेन एरियाज जो घूमने के लिए काफ़ी सुंदर है। इन गढ़वाल एंड कुमाऊँ रीजन ऑफ उत्तराखंड पीपल आर मोस्टली फार्मर्स। गढ़वाल एंड कुमाऊँ ये उत्तराखंड का एक एरिया है, ये तो पहाड़ी इलाका, लेकिन यहाँ के लोग अपने जीवन चलाने के लिए क्या करते हैं, खेती करते, फार्मर। मसूरी एंड नैनीताल आर पॉपुलर हिल स्टेशन हियर। मसूरी नाम सुने होंगे, नैनीताल, दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल इट्स फेमस फॉर टी गार्डन्स। तुम लोगों को मैंने टी गार्डन्स भी दिखाया, यहाँ पे देख रहे हो वुमेन्स जो काम कर रही है, टी गार्डन्स काफ़ी सुंदर देखेंगे, यू कैन सी। तो दे आर प्लकिंग टी, यस मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ये सारे चीज़ों के लिए हिमाचल जो रेंज है फेमस है। So, some of the reason is suitable for orchards, यानी कि फल फूल के लिए plantation, जैसे सिंकोना plantation, tea plantation और orchards मतलब यानी कि फल, यानी कि apple, some of the reasons are famous, famous for you can say orchards, फल फूल, चेरी, ठीक है, plantation, जैसे कि tea, सिंकोनिया is a plant जो कि आई थिंक मलेरिया क्योर करने के लिए यूज किए जाते हैं, मलेरिया और डेंगू। तो ये सब चीज़ें की प्लांटेशंस होती है यहाँ पे। राइस, मेज, बार्ली, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर आल्सो ग्रोन, बहुत प्रकार के वेजिटेबल्स, बहुत प्रकार के फ्रूट्स, बार्ली, मेज, ये सब क्रॉप्स क्या किया जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं। और पहाड़ी इलाका में एनिमल्स जैसे भेड़, बकरी का पालन भी किया जाता है, लोग पालते हैं पशुपालन। इन द कुल्लू रीजन पीपल मोस्टली स्पीक हिंदी, कुल्लू रीजन में लोग क्या बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं। और यहाँ के लोग दशहरा क्या मनाते हैं, फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। इन कुल्लू रीजन पीपल मोस्टली स्पीक हिंदी, हिंदी बोलते हैं। दशहरा वहाँ का मेन त्यौहार है लोगों का मनाने के लिए। ये हिमाचल रीजन होगा बेटा आप लोगों का। अब शिवालिक रीजन में लोग कैसे करते हैं, थिक फॉरेस्ट एंड वराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन द शिवालिक रीजन। तो शिवालिक रीजन वन जंगल से भरा हुआ है, यहाँ पे क्या किया जाता है कि एनिमल्स पाए जाते हैं, यहाँ के माउंटेन को काटा जाता है, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, टेरेस फार्मिंग। अब देख सकते हो टेरेस फार्मिंग का एग्जाम्पल, देखो पहाड़ को, चोटी को काट के यहाँ पे क्या किया जाता है, देखो सीढ़ी 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 बनाया है, देख सकते हो सीढ़ी 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 बनाया है यहाँ पे, तो इसको हम लोग टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। देख सकते हो यू ऑल कैन सी, बहुत बड़े बड़े पहाड़ों को मतलब काट काट के एक सीढ़ी के रूप में बनाया है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेरेस फार्मिंग बोल सकते हैं, टेरेस। तो यहाँ के लोग खेती करते हैं टेरेस फार्मिंग के रूप में, ठीक है। कैटल रियरिंग इज कॉमन, ये सब शिवालिक एरिया में कैटल रियरिंग, पशुपालन करना बहुत सामान्य है। यहाँ पे तुमको बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिलेंगे, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेशनल पार्क क्या है, ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड रिजर्व्स है जो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे एनिमल्स यानी कि वहाँ के वाइल्ड स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को बचाने के लिए बनाया जाता है। तो ये सब घूमने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो कि काफ़ी फेमस है। राइस,
पोटैटोज एंड मेज आर कॉमनली ग्रोन हियर. यहाँ पे भी खेती होती है, तो चावल की खेती, आलू की खेती, मकई की खेती, ये सारे चीजों की खेती तुमको इस एरिया में देखने को मिलेंगे. तो तुम लोग ने देख लिए कि यहाँ के लोग जग जीवन कैसे बसाए हैं, वो लोग धीरे धीरे करके खेती कैसे कर रहे हैं. लेकिन अब एक चीज हम लोग देखेंगे, हम लोग ने इतना कुछ पढ़ लिया, तो हिमालयन का इंपॉर्टेंस क्या है? ये हिमालयस 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 हम लोग बोल रहे हैं, तो इसका क्या महत्व है? हिमालय जो होता है बेटा, एक बैरियर, एक बॉर्डर बनता है दुश्मनों से, और इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस ऑफ आवर कंट्री. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स आवर कंट्री फ्रॉम द कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया. तो तुम लोग फिर एक बार दोबारा मैप में ले जाते हैं. जो हिमालयाज है यहां पे देख सकते हो, तो ये हिमालयस देख रहे हो, ये एरिया में ये नेचुरल बाउंड्री बनाता है बेटा. क्या बनाता है? नेचुरल बाउंड्री बनाता है. ये एक बॉर्डर, एक प्रकार से दीवार बन के खड़ा हुआ है, जो हम लोगों को ऊपर से आने वाले दुश्मनों से बचाता है. ठीक है. और उतना ही नहीं, यहां पे चाइना के ऊपर साइबेरिया है, वेरी कोल्ड एरिया. ये साइबेरिया से बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आती है नीचे की ओर, तो ये ठंडी ठंडी हवाओं को हमारे देश के ये सब एरिया में घुसने से क्या करता है, ये हिमालयस हमारा प्रोटेक्शन करता है. और उतना ही नहीं, हमारे देश में कौन सी हवा चलती है एक सीजन में? मानसून हवा चलती है. ये मानसून हवा जो होता है बेटा, ये हवा रेन कैरी करता है, बारिश. तो जब हमारे मानसून जो होते हैं नीचे से ऊपर आते हैं, तो ये हिमालयस के उस पार नहीं जा पाता है. तो इसी के कारण हमारे देश भर में अच्छे से बारिश भी होता है. अगर हिमालयस नहीं होते तो हो सकता था कि ये मानसून विंड्स नॉर्थ की ओर चला जाए और हमारे देश में बारिश ना हो. और यहाँ पे बारिश कराता है मानसून विंड्स, और ये मानसून विंड्स को रोक के कौन रखता है? तुम्हारा हिमालयन रेंज. और हिमालयन रेंज ऊपर से आने वाली ठंडी ठंडी हवाओं को भी रोक के रखती है. इज दैट क्लियर? तो ये हुआ आप लोगों का हिमालयन का महत्व, हिमालयस का महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है हिमालयस का. तो मैंने ये बोला हिमालयस पीरिंग में बोला, रेन बियरिंग मानसून क्लाउड्स फ्रॉम स्केपिंग नॉर्थवर्ड्स बियॉन्ड इंडिया, दिस कॉज रेनफॉल इन द पूरा नॉर्दर्न इंडिया. तो ये नॉर्दर्न भारत में पूरा बारिश करता है. अगर हिमालयस नहीं होते तो हो सकता है कि वो लोग बाहर निकल जाए. दे आर डेंस फॉरेस्ट ऑफ टू अल्टीट्यूड्स 3000 मीटर, रिच वैरायटी ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत घने जंगल पाए जाते हैं जो 1500 मीटर की ऊंचाई पे है. ये जंगल जो होते हैं इसमें बहुत प्रकार के वेजिटेशन, यानी कि प्लांट्स, वेजिटेशन मतलब उसमें मेडिसिन भी पाए जाते हैं. वहां पे एनिमल वाइल्ड लाइफ, यानी कि बहुत प्रकार के एनिमल्स भी पाए जाते हैं ये सब जंगलों में. हिमालयस केवल वो नहीं, हिमालयस में एक हिमालय एक प्रकार से एक स्रोत है, जहां से हमारे देश में बहने वाले अधिकतर नदियां वहां से उत्पन्न होती है, जैसे गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र और उनके ट्रिब्यूटरीज. दिस रिवर मेक्स आवर लैंड फर्टाइल. ये सब नदियां हमारे देश के जमीन, हमारे देश की भूमि को एकदम उपजाऊ बनाता है, फर्टाइल बनाता था. और ये था हम लोग का हिमालयस का महत्व. तो इसी के साथ हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है. तो नॉर्दर्न माउंटेन्स के बाद तुम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स भी पढ़ोगे, तो वो लोग देखते जाएंगे आगे आगे चैप्टर्स में. तो हम लोग ने यहाँ पे देखा कि हमारे माउंटेन पार्ट जो हमारे इंडिया के नॉर्थ में है उसको कैसे बांटा गया है. नॉर्दर्न माउंटेन्स को किस बांटा है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, वहाँ के लोग कैसे जीते हैं. हमारे यहाँ पे ट्रांस हिमालयन रेंजेस भी पढ़े हम लोग ने, साथ ही साथ हम लोग ने पूर्वांचल रेंज भी देखे, उसके साथ साथ वहाँ के लोगों का जीवन भी देखे, वहाँ पे ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है घूमने के लिए, ये सब चीजें देखे. तो अगर तुम लोगों को कभी मौका मिले तो जरूर ये सब हिल स्टेशन घूमने जाना जो कि हमारे देश में है, और इट इज वंस इन अ लाइफ टाइम विजिट. जीवन में एक बार जाने का एक मौका जरूर जाना, क्योंकि वी हैव टू गो, और ये नहीं तो एक इतना बेहतरीन अवसर तुम लोग के हाथ से छूट जाएगा. तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर. चैप्टर एंड्स हियर. ये चैप्टर्स से बने हुए जितने भी मटेरियल्स होंगे वो आपके स्टडी मटेरियल के रूप में भेजा जाएगा. थैंक यू. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.